नवंबर पीआईबी वीकली पार्ट टू की बात हम करने जा रहे हैं अब, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है इस एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको अप्रूव किया है फॉर ऑपरेशन ग्रीन्स। अभी क्या है, अभी हम आगे देखते हैं। बेसिकली ऑपरेशन ग्रीन जो है बजट 2018-19 में जो है अनाउंस किया गया था विद एन आउटले ऑफ रुपीज 500 करोड़। एंड ये क्यों किया गया था, टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टॉप क्रॉप्स। कौन सी टॉप क्रॉप्स? टीओपी, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, टमाटर, प्याज एंड आलू, राइट। एंड इन क्रॉप्स के लिए क्यों किया गया था, जिससे कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है इन टॉप क्रॉप्स की थ्रू आउट द कंट्री, एक तो वो मेंटेन रहे, इंश्योर रहे, ठीक है, दूसरा इनके प्राइसेस में ज्यादा वॉलिटिलिटी ना आए, ठीक है। तो इसमें, इस ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए गए हैं। तो शॉर्ट टर्म प्राइस, बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये इन तीनों क्रॉप्स के लिए लिया गया है ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जो प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, इसमें जो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये नोडल एजेंसी होगा जो कि प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स जितने भी लिए जाएंगे इन क्रॉप्स के लिए उनको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है ये 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगा इन दो कॉम्पोनेंट्स पे, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर ये सारी चीजें जो भी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा टोमेटो अनियन पोटैटो क्रॉप्स का, कहाँ से, प्रोडक्शन से लेकर उनके स्टोरेज तक, ठीक है। तो इस पे जो भी पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इस पे 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, पहली बात। दूसरी, हायरिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज इनके लिए। मान लीजिए कि कोई फार्मर है या कोई फर्म है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग फर्म है फॉर एग्जाम्पल, बट लाइक स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो हायर करते हैं किसी से, तो उसमें भी 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो कुछ शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे भाई। स्टोरेज से दो चीज़ें हैं ना, होता क्या है कि जब ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स के पास में बढ़े हुए दामों के साथ में क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए उन्हें स्टोर करने में अपनी क्रॉप्स टोमेटो अनियन एंड पोटैटो, ठीक है, अगर इन्हें स्टोर करने में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो वो अल्टीमेटली कस्टमर्स के ऊपर आएगा, तो वहाँ पे प्राइस वॉलिटिलिटी आ जाती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंदर इन दोनों चीज़ों 50% सब्सिडी दी गई है। नेक्स्ट जो है, दैट इज लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जिसके अंदर जो भी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा, कैसे क्वालिटी प्रोडक्शन करना है ये सब सिखाया जाएगा। देन जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद की जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होती हैं उस पर काम किया जाएगा, एग्री लॉजिस्टिक्स पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। नेक्स्ट है, एंड ये क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ई प्लेटफॉर्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ टॉप क्रॉप्स, ठीक है। अब जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ऑपरेशन ग्रीन्स के, ये तो हमें देखा कि ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर किया क्या जाएगा, फाइन, हाउ इट विल वर्क, बट व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फॉर फर्स्ट इज एनहांसिंग वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ टॉप, दैट इज टोमेटो अनियन एंड पोटैटो फार्मर्स बाय टारगेटेड इंटरवेंशन टू स्ट्रेंथन टॉप प्रोडक्शन। जैसे कि भाई इन क्रॉप्स का पहली चीज तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, फिर इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद में जो भी इनके प्रोडक्शन क्लस्टर्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, वो एनहेंस हो, ठीक है, एंड लिंकिंग कनेक्टिंग देम विद द मार्केट, ये सारी चीजें। ये फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, फाइन। सेकंड चीज, प्राइस स्टेबलाइजेशन हो प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो भी पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उनमें रिडक्शन हो, जिससे कि फार्मर्स को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए स्टोर करने के लिए, एग्रोलॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, कि भाई टाइमली फार्मर्स अपनी जो भी प्रोड्यूस है उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ तक पहुँचा पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर, बट स्पेसिफिकली तीन क्रॉप्स के लिए, टॉप क्रॉप्स, दैट इज टोमेटो अनियन एंड पोटैटो।
नेक्स्ट इज पायलट गंगा ग्राम्स, बेसिकली जो मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, उन्होंने ये कहा कि भाई सस्टेनेबल बिहेवियर होना चाहिए किसके लिए, टुवर्ड्स बेटर सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन, अच्छा सैनिटेशन होना इज एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला, एक गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जहाँ पे, ठीक है, इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में, वहाँ पे। अब ये गंगा ग्राम क्या है, बेसिकली ये कंसेप्ट है, ठीक है, जिससे कि जो भी विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा हैं, गंगा किनारे जो भी विलेजेस बसे हुए हैं, उनको आइडियल विलेजेस में कन्वर्ट किया जाए। किस चीज़ पे एम्फोसिस करके, कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो वो, ठीक है, एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली होता हो, वाटर कंजर्वेशन होता हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता हो वहाँ पे, इस तरीके की टेक्निक्स हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, मॉडर्न क्रीमेटोरियम हो जिससे कि जो एशेज होती हैं वो रिवर्स में बह के ना जाएं, ट्री प्लांटेशन हो, ऑर्गेनिक एंड मेडिसिन, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो सब, ठीक है, और रिवर जो है वो अशुद्ध होने से बच जाए, फाइन। सो ऑलमोस्ट अबाउट 4465 जो विलेजेस हैं अलोंग द गंगा बैंक, उनको डिक्लेयर किया जा चुका है ODF, दैट इज ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस हैं, और ये किसने डिक्लेयर किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, ठीक है, एंड साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर भी किया है, और मिनिस्ट्री ये भी मेंटेन करने की कोशिश करी है कि भाई ये जो गाँव हैं, ये जो विलेजेस हैं, दे वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनिंग द ODF स्टेटस, मतलब वो इस स्टेटस को सस्टेन करके भी रख पाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बस एक बार स्टेटस मिल गया उसके बाद में फिर से अपने पुराने बिहेवियर पे वापस लौट आए और फिर से ओपन डिफिकेशन हो रहा है, फिर से वही पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो, फाइन। नेक्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है गोवा में होगा, 20th से 28th नवंबर तक होगा, और ये 49th एडिशन है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 1952 से स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल्स इन एशिया, एंड ये हर साल होता है गोवा के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि भाई जितने भी सिनेमा के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, कि वर्ल्ड की जो भी एक्सीलेंट फिल्म्स हैं या जो भी आर्ट एक्सीलेंट वर्क्स हैं, ठीक है, इस फिल्म आर्ट से रिलेटेड उन्हें समझा जाए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, एक ऐसी मूवीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देख के एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश की जाए, फ्रेंडशिप प्रमोट हो नेशंस के बीच में इसी तरीके से, एंड कोऑपरेशन हो अमंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एक इनडायरेक्ट तरीका है पीपल टू पीपल एक्सचेंज, अभी आप नहीं पीपल टू पीपल एक्सचेंज नहीं, बट इनडायरेक्ट तरीका है आप कह सकते हो एक दूसरे के कल्चर को समझने का, एंड एक जिसको हम बोलते हैं ना टीयर थ्री डिप्लोमेसी जिसमें आता है, उसका एक तरीका है ये, फाइन। सो ये जो फेस्टिवल है ये जॉइंटली कंडक्ट कराता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, फाइन। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल टर्मिनल ऑन रिवर गंगा एट वाराणसी। सो एक मल्टी मॉडल टर्मिनल गंगा रिवर पे बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको बेसिकली आप कह सकते हो इनॉग्रेशन किया गया, मतलब इसको बनाने का ऑन 12th ऑफ नवंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ द थ्री मल्टी मॉडल टर्मिनल्स एंड टू इंटर मॉडल टर्मिनल्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। इसका बस यही काम है कि भाई जो पूरी स्ट्रेच है ना रिवर गंगा की वाराणसी से लेकर इट्स टिल हल्दिया, ठीक है, फॉर नेविगेशन ऑफ लार्ज वेसल्स, कि भाई जो लार्ज जो वेसल्स हैं वो इजिली इसके थ्रू जा पाए अराउंड 1500 to 2000 टन्स वेट लेके, ठीक है, तो ये इसका मेन टारगेट है। साथ में जो भी नेविगेशन हो वो सेफ नेविगेशन हो, सस्टेनेबल एंड सेफ नेविगेशन हो, ठीक है, और ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इनलैंड वाटरवेज एक चीपर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये हम जानते हैं, इसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, स्पेशली कार्गो मूवमेंट के लिए, ठीक है, एंड इंटरनेट इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसकी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, ओके, ऑब्वियसली इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव बायलेटरल एक्सरसाइज हुई जो है, बेसिकली
शेड्यूल की गई है 10 से 21 नवंबर तक के लिए अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में इंडिया एंड सिंगापुर नेवीज के बीच में, जिसका नाम है सिम्बैक्स। एंड स्पेशल चीज ये है कि ये 25th एडिशन है सिम्बैक एक्सरसाइज का, ठीक है, जो कि हम 1994 से सिंगापुर के साथ में करते चले आ रहे हैं। एंड नवंबर 2015 में ये जो हमारी रिलेशनशिप थी दोनों कंट्रीज के बीच में, इसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर दिया गया। तो 2018 का जो ये एडिशन हो रहा है सिम्बैक्स एक्सरसाइज का, ऑब्वियसली इट मार्क्स दी सिल्वर जुबली ऑफ सिम्बैक्स, जैसा मैंने बताया कि 25 साल पूरे हो रहे हैं। एंड ये जो 2018 में एक्सरसाइज है, ये इट विल बी द लार्जेस्ट एडिशन सिंस 1994 इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। फाइन, नेक्स्ट ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज 2018 ये शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको इनॉग्रेट किया। 3 दिन का ये इवेंट था, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट इन एसोसिएशन विद रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल कोरिया एंड देयर एसोसिएटेड पार्टनर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाटएवर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट जो है बस इतना समझना है कि ये जो भी ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज किया गया, ये किया गया जिससे कि जो आईटी स्किल्स उन यूथ के पास में है जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है, उसको लेवरेज किया जाए, उसको उससे रिलेटेड अवेयरनेस जो है स्प्रेड किया जाए, ठीक है, उनमें किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सो दैट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, पर्सन जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, एंड स्पेशली नॉट ओनली इन इंडिया, इन एशिया पैसिफिक रीजन। फाइन, तो ये सब कुछ है। एंड इस साल अराउंड 100 यूथ विद डिसेबिलिटीज जो है 18 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनमें से कुछ कंट्रीज हैं। एंड इंडिया ने 12 यूथ को नॉमिनेट किया है विद डिसेबिलिटीज टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। नेक्स्ट है दैट प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट्स टू इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हाँ, एक्चुअली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर मीन्स, बिकॉज 100th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई है ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड वर्ल्ड वॉर जो है ऑफिशियली बिगेन हुआ था July 28, 1914 में, ठीक है, किसके, ये इमीडिएट रीजन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के स्टार्ट होने का, द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। एंड ये कब तक चला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1918 तक, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो सेंट्रल पावर्स थी उसमें कौन कौन आता था, ठीक है, देखो दो पावर, दो ग्रुप्स क्रिएट हुए थे। एक तरफ सेंट्रल पावर्स थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड ओटोमन एम्पायर थे। इन्होंने किसके अगेंस्ट फॉट किया था, अलाइड पावर्स के अगेंस्ट। एंड इन अलाइड पावर्स में आते थे ग्रेट ब्रिटेन, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, काइंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इटली और जापान ये यूके और इनकी साइड में थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ओवर 1 मिलियन इंडियंस ने ओवरसीज सर्व किया था, ठीक है, जिनको वेस्टर्न फ्रंट पे भेजा गया था जर्मन फोर्सेस से लड़ने के लिए। एंड क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी ने एज इंडियन मतलब सोल्जर्स वहाँ गए थे एंड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन फाइटिंग अक्रॉस दिस यूरोपियन, मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने जर्मन एम्पायर के अगेंस्ट जो है ईस्ट अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी एंड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। फाइन, अब एक चीज होती है विक्टोरिया क्रॉस, ये हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री है जो ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ सर्विस मैन को दिया जाता है। टोटल मिला के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में 11 विक्टोरिया क्रॉसेस जो है इंडियन सोल्जर्स को दिए गए थे। एंड खुदादाद खान जो पहले इंडियन थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, तो ये और भी नेम्स हैं बट दिस नेम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो एक मशीन गनर थे। फाइन, एंड इसके अलावा दरवान सिंह नेगी, इनको भी दिया गया था। एंड इनको सेम डेट पे दिया गया था जिस दिन खुदादाद खान को दिया गया था, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ और नेम्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, इफ यू वॉन्ट देन यू कैन रीड
अदरवाइज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. देन वी हैव इंडिया गेट के बारे में. क्या है इंडिया गेट के बारे में कि 1931 में, ठीक है, ब्रिटिश ने इसको बनवाया था टू कमेमोरेट, यही जो वॉर हुआ था इसको कमेमोरेट करने के लिए बनवाया था. एंड ये डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने, ठीक है. एंड इनिशियली इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ठीक है. एंड इट वॉज ऑब्वियसली बिल्ट टू पे होमेज टू द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु लॉस्ट देयर लाइफ फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. अब ये याद रखना कि इंडिया गेट किसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, 1931 में बनाया गया था, ठीक है. तो इंडियन सोल्जर्स का जो कंट्रीब्यूशन था उसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में, ठीक है. सो दिस वाज द पार्ट टू ऑफ नवंबर पीआईबी वीकली. सो और भी इसके एक दो पार्ट्स आने हैं बिकॉज स्टिल 15 डेज का नवंबर का बचा हुआ है पूरा. सो विल सी इट. थैंक यू.